किसी पौधे में हरियाली आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको ड्रॉट के टाइम में जो है ना समस्या ही नहीं होगी। ना सर्दी में खोदो, ना ही कभी मार्च में खोदो। फिर मार्च में क्या करते हैं आदमी, घास जो मार्च होता दे तीन सेंट आड़ा, दो महीने तीन महीने धूपे पड़ी नहीं, फिर लाल हुई नहीं मिट्टी। अरे उसको मत निकालो, जलनी दो उसको घास को, धूपे पड़ेगी तो कम से कम उसमें प्रोटेक्शन होगी आपकी। नहीं ऐसी सर पुराना घास है, मैंने ये फील किया ना, पुराना घास है लंबा लंबा हो जाता है तो सोच गया। तो पहले मैनेजमेंट ये करना है, जो ऊट पटांग घास है ना, अगर आप थोड़ा सा मेरे एंगल से देखें तो हम आपको खाई में आए आर पार देखो, एक रंगी घास है ऐसी उत्तराखंड में, नीचे को जाओ निचले हिमाचल में ऐसी घास दिखेगी। ठीक है, ये घास हजारों साल से है, वही हमारे बगीचे में हजारों साल, हम उस घास को भी नहीं बदल पाए। सोचो हमारी टेक्नोलॉजी को, जो हमारी फ्रेंडली घास थी उसको भी नहीं डेवलप किया हमने, वो भी नहीं इसी काम ने। तो तुम जाओ उत्तरांचल, तुम जाओ कहीं, एक ही रंग का घास है सबके पास। ठीक है, चला हुआ इनका साम्राज्य बना हुआ है ना, इसने अपना जाल जड़े पहनी हुई है इसी घास, इसकी नस्ल ही खत्म नहीं किया हमने। ठीक है ना, नया घास कहाँ से आएगा? करोड़ों घास ऐसी, करोड़ों घास जमीन में जो वो तैयार है बाहर निकलने को, ऊपर है दूसरा साम्राज्य, वो कहाँ देती तो मतलब वो निकाल दो उसको, निकाल के नई देखो कि जो ग्राउंड ग्रास बने आपके बगीचे में उसको ज्यादा फैलाओ, ग्राउंड ग्रास जो ऊपर ना जाए, हाइट आपकी फ्रेंडली ग्रास हो गई ना, मॉइस्चर के लिए डेवलप करनी थी, जिसके चौड़े पत्ते आ जाए ग्राउंड ग्रास बने। ठीक है ना, अभी ये मैंने दीवारों में ऐसे भी लगाए हुए देखो हरियाली, ये फैलती जाए 12 महीने हरा लेता है, जहाँ हमारी दीवारें हैं उसके ऊपर हरियाली लगाओ, ताकि जो सन पेनेट्रेशन होती है, जो सन रेज आती है वही ग्रीनरी पे खत्म हो जाए। जहाँ दीवाले वगैरह होती है हमारे घर वगैरह जितने भी है, टेम्परेचर डाउन करने में हमारा बहुत बड़ा रोल होगा। अगर हम समझ लें एक छोटी सी बात, अपने घरों के चरब बेले चढ़ा दें हरे पत्तों की, चौड़े पत्तों की, जो हमारी दीवाले उसमें भी ग्रीन ऐसी बेले चढ़ा दें हम सारी, जो हमारी छतें बन रही है ना लोहे की टीन की, इसके ऊपर भी हम जो है बेले चढ़ा दें। बोलते टीन खराब हो जाएगा, उसके लिए जिसको खर्चा कर सकता है एंगल लगा करके और उससे जाल बना सकता है लोहे का, ठीक है ना, उस पे बेले चढ़ा दो, आपका टेम्परेचर सारा इक्वल कंट्रोल रहेगा। जो टीन की छत तपती है वो ही हमारे वायुमंडल में उसको रिफ्लेक्ट करती, गर्मी टेम्परेचर हाई करती, ज्यादा करती है। टीन की छत इतनी कर दी हमने, घर की जरूरत है एक की, चार बना दिए डेरे, धुलाओ चादरी छापोरे धुला, वो टेम्परेचर कर दिया और हाई, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने खुद ही, हाँ से डबल हो गया ना। अब उसको एक तो सनरेज आ रहा है, उसको कंट्रोल करने का भी हमारे पास है ना विकल्प, हम ग्रीनरी तो पैदा कर सकते हैं अपनी दीवारों में। जहाँ आपने देखा होगा पत्थर जब गर्म होते हैं ना बगीचे में, जहाँ माइट कैसे लगता है वहाँ पे एकदम से माइट लगता है, जो पेड़ पाछी हो ना दौड़े सौगे रहे दौड़ तो पार हो, या घर के मकान के साथ चादरों का छत तपता है, जब उस पेड़ को देखो कि माइट का अटैक कितना होता है उसमें, या धुएं की पाइप होती है आपकी उसके साथ कहीं पेड़ हो उसमें माइट देखना कितना होता है। टेम्परेचर हीट करते हैं ना, जब टेम्परेचर हीट होता है और माइट जो है एक्टिव हो जाता है, उसका एक्स फट जाता है और जो क्लोरोफिल पत्तों को उसने तो खाना है। तो जितना हम हरा करेंगे ना, हरियाली नीचे हर जगह, तो ऑटोमेटिकली लाखों लोगों का रेवोल्यूशन होगा। लाखों लोग जो है, जब एक ऑर्चर्ड बन सकता है तो एक लाख ऑर्चर्ड भी बन सकता है। सही बात है। जैसे रिस्पॉन्सिबल मैं अपनी जमीन के 10 बीघे 12 बीघे के टुकड़े के लिए हूँ, वैसे आप भी बन सकते हैं। आप भी उसमें एक मक्खी बन जाओ, आपकी जिम्मेदारी 10 बीघे को ऐसे बना दो, 10 दूसरा बनाएगा, रेवोल्यूशन ऐसे आएगा कि हम फिर से जो है उसमें वापस आ जाएंगे, जो एनवायरनमेंट पे लाइन में जा रहे हैं हम स्टेबल हो जाएंगे सारे। ये जिम्मेवारी है हमारी सबकी, जो इस टाइम 45 और 40 और 50 के बीच की जो हमारी जिम्मेवारी यही है, अगली पीढ़ी को जो है हमने या तो प्लान या तो स्टेबल, स्टेबल या तो रुकेगी या तो निकलेगी। सही बात है। अगर हम उनको रोकने के लिए ये जाल बिछा दें
एप्पल का इंडस्ट्री का और ग्रीनरी का, तो वो यहाँ ही रुकेंगे हमारे पास, हमारे बच्चे नहीं तो वो रोटी रोजी के लिए पाल ले कहीं भी जाएंगे, लेबर बनना ही है और क्या बनेंगे, लेबर ही बनेंगे ना, बाकी क्या बनेंगे। यहाँ तो लैंडलॉर्ड है, चाहे 10 वीं के लैंड है तो लॉर्ड है, लैंडलॉर्ड है यार। बात तो वही बनना पड़ेगा, मल्टीनेशनल के लिबरल बनो या किसी के बनो। 10 वीं में भी वो कमा रहा है जो 100 वीं वाला के इक्विवेलेंट है, ट्रेडिशनल फार्मिंग। 100 वीं मैनेज करना मुश्किल है आज, 10 वीं मैनेज कर सकते हैं, 10 वीं में एक आदमी एक परिवार भी कर सकते हैं, 5 वीं में तो हमारे नेपाली परिवार में आ जाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, 2 मियां बीबी होते हैं वो, हम देते हैं उनको जमीन लगाओ, 5 वीं में होते हैं और आउटपुट आप 100 वीं के बराबर निकालेंगे उसमें।